करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। ये खबरें दिल को सुकून देती है। छत्तीसगढ़ में एक नई पहल के ने कमाल कर दिया है। गोबर के इस्तेमाल से किसानों की आय बढ़ाने की योजना पहले से चल रही है, लेकिन अब गोबर से पेंट बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। गोबर पेंट को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने सभी सरकारी भवनों को गोबर से पेंट करने का आदेश जारी किया है। राज्य में धीरे धीरे गोबर पेंट की कई यूनिट शुरू हो गई है। गोबर पेंट की खूबसूरती, उसकी पवित्रता अपनी जगह पर है। बड़ी बात यह है कि इससे बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि चलन में आ जाने पर लोग दीपावली में गोबर पेंट का उपयोग अपने घरों में भी शुरू करेंगे। खूबी यह है कि गोबर पेंट वैसा ही है जैसा पेंट हम अपने घरों में करते हैं, लेकिन अलग इसलिए है क्योंकि यह पर्यावरण के लिए मुफीद है। इस यूनिट में पहली बार कुछ नया करने के लिए एक प्रयास किया गया था, जिसका अब 1.5 साल में एक अच्छा प्रतिफल सामने आ रहा है। यहाँ महिलाओं के द्वारा जो गोबर क्रय किया जा रहा है, उसी गोबर से पेंट बनाने की यूनिट लगाई गई है, और पेंट बनाने का जो पूरी प्रक्रिया है वो महिलाओं के द्वारा, स्थानीय स्वयं सहायता समूहों के द्वारा पूर्ण की जा रही है। और निश्चित रूप से कुछ नया यदि है तो इसकी क्वालिटी को मेंटेन करना एक सबसे बड़ा चैलेंज था, लेकिन आज इसकी क्वालिटी एशियन बर्जर पेंट्स के इक्विवेलेंट है। किसी भी वाटर के थिकनेस के लिए जो पेंट में केमिकल्स यूज किए जाते हैं, इसमें गोबर का पानी यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यदि इसमें देखना चाहेंगे तो एक पहले घोल तैयार किया जा रहा है फर्स्ट टैंक में, सेकेंड डी वॉटरिंग की जा रही है। डी वॉटरिंग में गोबर से ये अवशेष निकाल के बाकी उसका जो पानी है उसको अलग किया जा रहा है, और इस पानी का ही उपयोग पेंट बनाने के लिए किया जा रहा है। और ये जो सामने निकल के आ रहा है, इससे पुट्टी बनाने का काम यहाँ पे शुरू कर दिया गया है, और पुट्टी बननी शुरू हो गई है। गोबर से पुट्टी बन रही है, इसका उपयोग हमने अपनी ऑफिस में और इवन मैंने अपने घर में भी किया है, और बहुत अच्छा एक क्वालिटी है। इस जो पानी, गोबर का पानी निकला, इसको एक ब्लीचिंग टैंक में लाया जाता है। इस ब्लीचिंग टैंक में 100 डिग्री में पानी को गर्म किया जाता है। इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड और कास्टिक सोडा मिलाया जाता है, और इसको ब्लीच करके इसी पानी का उपयोग पेंट के रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है। फिर थर्ड यूनिट में उसमें बाइंडर्स, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलाकर पेंट का रूप तैयार किया जाता है। अच्छी बात यह है कि इसमें हम जिस क्वालिटी का पेंट बाहर देखते हैं, चाहे वो डिस्टेम्पर हो या इमल्शन पेंट हो, वेदर शील्ड पेंट हो, उसी क्वालिटी के पेंट रेडी हो रहे हैं। और खुद हमने अपने नगर निगम की बिल्डिंग में और मैंने अपने घर में इसको ट्राई किया है, और निश्चित रूप से ये बारिश में भी वही असर आ रहा है जो वेदर शील्ड पेंट कर रहता है।